हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो यूजीसी नेट जून 2024 का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसका जो ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। इस बार जो इन्होंने नोटिफिकेशन आउट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम है इस बार ऑफलाइन होगा। मीन टू से जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सेम डे होगा और वो आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन लिया जाएगा, जैसे पहले ऑनलाइन होता था। लेकिन इस बार ऑनलाइन नहीं होगा। OMR शीट पर आप जो भी जैसे भी आप अपने आंसर्स मार्क करेंगे बबल्स की फॉर्म में, वैसे होगा। तो बाकी देखते हैं पूरा प्रोसेस कैसे फॉर्म फिल होना। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, UGCNET.NTA.ac.in। ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं, उसके नोटिफिकेशन हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपलोड करते रहते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर लिंक बनाए, UGC NET जून 2024 रजिस्ट्रेशन लॉगिन, आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपने पहले से रजिस्टर किया, यहाँ पर अपनी लॉगिन डिटेल फिल करके आप लॉगिन कर सकते हैं कैप्चा फिल करके। लेकिन हमने न्यूली फिल करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको लिंक मिलेगा न्यू कैंडिडेट्स रजिस्टर हेयर, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा। यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ इनमें से जो भी आपके पास डिटेल है, आधार कार्ड है, डिजी लॉकर के साथ अकाउंट लॉग इन है, जो भी है वो क्लिक करिए। उसके बाद डिटेल्स फिल करिए, सेंड OTP पर क्लिक करिए। जो भी आपके ये पर्टिकुलर नंबर के साथ, आधार कार्ड नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर OTP आएगा। अगर आपको OTP नहीं आता तो यहाँ पर आप OTP दोबारा भी सेंड करते हैं। फिलहाल OTP साथ के साथ रिसीव हो जाता है, कि वह लिटिल बिट टाइम लग जाता है। यहाँ से आप उसको वैलिडेट करेंगे। जब आप वैलिडेट करेंगे तो उसके बाद आपका ये जो आधार कार्ड है वैलिडेट हो जाएगा और आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको जो भी यहाँ पर दिया गया है, गेट सॉन एन एरर, एक बार फिर से हम फिल कर लेते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको दोबारा फिल करिए। तो ये देखिए आपका यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। नाम बाय डिफ़ॉल्ट वो उठा लेगा आधार कार्ड से, फादर नेम आपका आएगा, ये डिटेल बड़े ही ध्यान से आपने फिल करनी है। मदर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ उसने आधार कार्ड से उठा लिया आपकी, ईमेल आईडी आएगी, ये डिटेल बड़े ही ध्यान से आपने चूज़ करनी है। ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, स्मॉल कैप्स लॉक का कोई चक्कर नहीं है, ईमेल आईडी में स्मॉल और कैपिटल का कोई इशू नहीं होता, बस ये है कि आपका ये सही होना चाहिए। जेंडर बाय डिफॉल्ट यहाँ उठा लिया, मोबाइल नंबर, कोई आपको प्रॉब्लम आती है आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। री वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर है दे दीजिए, नहीं है तो चलिए हम रहने ही देते हैं उसको। नेशनैलिटी हमारी जो भी है वो दे दीजिए, इंडियन ही आएगी। बाकी जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है इनमें से वो दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड ही दे देता हूँ। उसके बाद आपका एड्रेस आएगा, लोकेलिटी नहीं ज़रूरी, आपकी इंडिया आ गया, स्टेट जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, सो मैं पंजाब फिल करूँगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ सारी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएगी। बाकी जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट रहेगी, उसका जो भी पिन कोड रहेगा वो आप चूज़ करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर सेम एड्रेस अगर आपका है परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंट, या चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे। अगर डिफरेंट है तो आप उसको मैनुअली फीड कर देंगे। यहाँ पासवर्ड देंगे, पासवर्ड में आपके स्मॉल कैप्स आने चाहिए, कैपिटल आने चाहिए और कुछ सिंबल्स आने चाहिए, जैसे admin@123। इनमें से कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लीजिए और उसका आंसर दे दीजिए। उसके बाद जो कैप्चा दिया गया है वो फिल कर दीजिए। यहाँ सबमिट करने से पहले एक बार डिटेल देख लीजिए, अगर नहीं भी चेक करनी, जब आप यहाँ से सबमिट करते हैं तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अगर सब कुछ जानना, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, कैंडिडेट नेम, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, मतलब ये आप शो कर रहे हैं कि डिक्लेरेशन में ये सारी हमारी जो पर्टिकुलर्स हैं वो ठीक है। तो ये फिल करके नीचे डिक्लेरेशन है, इसको एग्री करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करके यस कर देंगे। उसके बाद ओके कर दीजिए। ईमेल आईडी पर आपको OTP जाएगा, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं जो हमने फिल की थी। सो ये OTP आपको साथ के साथ चला जाएगा, कि वह लिटिल बिट टाइम लगता है। अगर फिर भी OTP ना जाए तो आप यहाँ से रीसेंड OTP का एरर देखिए, मैसेज होगा, अगर नहीं आता एरर वहाँ पर आ जाता है, यहाँ से आप रीसेंड OTP भी क्लिक कर सकते हैं।
तो यहाँ देखिए फिलहाल ये आ गया यूजीसी नेट का ओटीपी, अकाउंट वेरिफिकेशन का, रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर 9454 9454 फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई हो गया और हमारी ईमेल आईडी पर वो सेंड कर दिया जाएगा जो हमारी लॉगिन डिटेल्स है। अब हमने लॉगिन करना है, लॉगिन डिटेल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें आ गई हैं, या दिस वन आ गई है, पासवर्ड जो मैंने सेट किया था, ये देखिए रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ गया। ये है मेरा एप्लीकेशन नंबर, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। पासवर्ड जो मैंने सेट किया था वो मैं यहाँ पासवर्ड फिल कर लेता हूँ, और नीचे जो मेरा कैप्चा दिया गया है, जो नीचे अपीयर कर रहा है, वो फिल करके मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपका जो जो डिटेल है यहाँ पर वेरीफाई होगा। यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आ रही है, एक बार फिर से देख लेते हैं डिटेल्स। इसको हमने फिर से कॉपी किया, यहाँ पर एक बार पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आए। पेज को रिफ़्रेश करिए और इसको हटाइए, फिल करिए। पासवर्ड जो हमने सेट किया था, नीचे जाएंगे, कैप्चा और लॉगिन। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग चल पड़ी है और हमारा ये लॉगिन हो गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसमें ये देखिए जो चीज़ें हैं ये हमें फिल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करिए, मोबाइल नंबर पर जाएंगे, इस पर आप कैप्चा डालेंगे और यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अगर आप कहीं से फॉर्म फिल करा रहे हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सबसे पहले वेरीफाई करिए, सो डैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर हमें ओटीपी आ गया है, ओटीपी आपका 4 डिजिट्स का होगा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद कैप्चा है वो आप फिल करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ये दोनों चीज़ें आपने सबसे पहले वेरीफाई कर ली हैं, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद फर्दर आपकी डिटेल्स मांगेगा, इसमें जो डिटेल्स मिसिंग है वो फिल कर दीजिए। जैसे ये पूरी डिटेल कंप्लीट है, ये हमारा सब कुछ ओके है, 08824 कैप्चा दिया गया है, सिक्योरिटी पिन भी बोल सकते हैं, इसको फिल करके आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये डिटेल हमारी सेव होगी। नीचे जाएंगे, यहाँ पर आगे डिटेल्स हैं, फॉर सॉन डिटेल्स है जो नहीं दी गई, आपका डोमिसाइल आप किस स्टेट से हैं, जैसे मैंने बताया था पंजाब है। आप है इसमें कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी की नहीं है, डायबिटिक है नहीं है, एनुअल इनकम पेरेंट्स की कितनी है वो फिल कर दीजिए, उसके बाद कैप्चा है वो फिल कर दीजिए। ये सारी डिटेल फिल करके बड़े ही ध्यान से फिल करनी है, फीड करनी है, स्पेशली 20 आई थिंक 7 आई है, स्पेशली जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसको हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ कैटेगरी रहेगी, कैटेगरी हमारी जनरल है, और कैटेगरी को द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान से चूज़ करिएगा, फीस उसके अकॉर्डिंग होगी। इसमें आप किसके लिए करना चाहते हैं, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए या मास्टर डिग्री, कौन सा है आपका? तो हमारा मास्टर डिग्री है, हमारा अपियरिंग में है या पास्ट में है वो फिल करेंगे, कौन से ईयर में फिल आपने पास आउट किया था वो फिल करेंगे, स्ट्रीम कौन सी थी इनमें से स्ट्रीम चूज़ करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं अदर, चलिए हम कर लेते हैं MSc कंप्यूटर साइंस, स्मॉल कैपिटल का कोई इशू नहीं है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड सॉन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, फाइनल सॉन नहीं आएगा। इंडिया से पास किया था, अदर स्टेट से किया था, क्वालिफाइंग स्टेट आपकी कौन सी थी और यूनिवर्सिटी कौन सी थी, अगर इनमें यूनिवर्सिटी मिलती है ठीक है, नहीं तो आप अदर चूज़ करिए और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम दीजिए। सेलेक्ट मोड क्या था, परसेंटेज था या सॉन था, कितने आपने टोटल मार्क्स कितने थे और कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, उसके बाद आपकी परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद कैप्चा, ये सारी डिटेल आप लास्ट में चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपने कुछ वेरीफाई नहीं भी किया, बाद में सारा कुछ वेरीफाई कर सकते हैं, चेकबॉक्स पर क्लिक करके इसको भी सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, सारी आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। इसमें से अगर आप PhD हैं या आपने एग्जामिनेशन वाइदर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कम्प्लीटेड 19 सितंबर 1991 रिस्पेक्टिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन, इसका कुछ नहीं है, एक सर्विसमैन नहीं है हमारा, कोई रिसर्च नहीं है, एक सर्विसमैन नहीं है, तो अगर है तो यस कर दीजिए और अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसको भी फिल करके चेकबॉक्स पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। उसके बाद फर्दर पे जा जाएगा, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, JRF के लिए या PhD ओनली के लिए।
यहाँ इस बार इन्होंने ऑप्शन एक कर दिया, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर करते हैं तो साथ में पीएचडी ओनली भी मांग रहे हैं। तो दूसरा है यहाँ पर जेआरएफ जो है, जेआरएफ यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा, जेआरएफ फेलोशिप का। तो यहाँ पर आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ आपको पीएचडी भी चाहिए यहाँ पर जो मांग रहा है, लेकिन यहाँ ये जेआरएफ भी एक्टिवेट होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा, इसको देख लेते हैं बाद में। इसको क्लिक करेंगे तो इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया है जो है हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 87 है। मीडियम कैसा चाहिए मुझे, इंग्लिश चाहिए। एग्ज़ाम स्टेट आपको कौन सी चाहिए, एग्ज़ाम स्टेट कौन सी चाहिए, एग्ज़ाम स्टेट कौन सी चाहिए, तो मैं पंजाब चूज़ कर लेता हूँ। पंजाब में देख लेते हैं, हाँ पंजाब में काफ़ी एरियाज़ हैं। फर्स्ट सेंटर ये चूज़ कर लेते हैं, सेकंड ये चूज़ कर लेते हैं, थर्ड लुधियाना कर लेते हैं, फोर्थ अमृतसर कर लेते हैं, फिफ्थ। और आपका यहाँ जो फादर है उनकी क्या क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग फिट करेंगे। बिजनेस क्या है, मदर क्या करते हैं वो आप फिल कर देंगे यहाँ से। या ये सारी डिटेल एक बार चेक कर लीजिए, अगर सब कुछ डन है तो अगेन आप नीचे जो कैप्चा दिया गया है उसको फिल करके एग्री पर क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करके आपकी सारी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ से आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, फ़ोटो के लिए हम अपना यहाँ डाटा चूज़ करते हैं या दिस वन। तो यहाँ से हम जो भी कैंडिडेट का डाटा है वो लेते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम फ़ोटो चूज़ करते हैं। फ़ोटो का साइज़ आपका प्रॉपर होना चाहिए और जो साइन है आपके प्रॉपर होने चाहिए, जैसे मैंने साइज़ पहले से सेट किया था इसलिए वो साथ में ही अपलोड हो गए, लेकिन यहाँ साइज़ छोटा है सिग्नेचर का तो हम इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। ये दूसरे अपलोड करके देखते हैं जो मैंने साइज़ रीसेट किया था। सो दोनों ही मेरे साइज़ सेट हैं तो यहाँ पर दोनों अपलोड हो गए। तो यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इसको ओके कर दीजिए, जो भी आपने डिटेल सारी फिल की है यहाँ पर अपीयर करेगा, शो करेगा। अगर आपको कोई भी डिटेल लगे आपने गलत फीड कर दी है, इसको बड़े ही ध्यान से आपने चेक करना है, जल्दी नहीं करनी, फोटो साइन आ गए तो आप यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद इन विच जो आपका यहाँ पर फील्ड दिया गया है या ये जो लिस्ट दी गई है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, सोन, अगर आप किसी में भी अपडेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर सब कुछ डन है, पेमेंट आपका तभी होगा जब आप फाइनल सबमिशन कर देंगे। नीचे जाएंगे, फाइनल सबमिट करेंगे और उसके बाद पेमेंट गेटवे आ जाएगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वैसे तो इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी होती हैं, जो एनटीए एजेंसी काफ़ी अच्छी है, इनका प्रोसेस बहुत ही जेन्युइन होता है। फ़ीस का, अगर फ़ीस आपकी रॉन्गली भी पे हो जाती है, रॉन्गली मतलब कि डबल पे आपकी पे हो जाए तो वो रिफ़ंड कर देते हैं, लेकिन अगर फिलहाल फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज़ करिएगा, क्रेडिट कार्ड तो चलिए कॉमन है ही है, सो डैट आपकी फ़ीस में कोई प्रॉब्लम ना आए। यूपीआई का अगर आप यूज़ कम करें तो बेटर है, अगर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, बट कई बार यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स इनकी जो है वो स्टक हो जाती है। और ऐसी अपडेट्स के लिए ज़रूर ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्यूरीज या क्वेश्चन आपके माइंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आल्सो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।